কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চাকুলিয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল। শনিবার ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সাইদ সিদ্দিকী, তৃণমূল আইডেন্টিটি ইউসির ব্লক সভাপতি আব্দুস সামাদ কাদেরী, চাকুলিয়া ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নাসরুল আলম, চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মহসিন আলম সহ শতাধিক তৃণমূল ছাত্র ও যুব তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ইডি সিবিআই এর মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিরোধী নেতাদের হয়রানি করছেন। যারা বিজেপির ভিতরে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা মন্ত্রীরা আছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না, সিবিআই ইডি নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে দিচ্ছে না, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার, তারই প্রতিবাদে আজকে ধিক্কার মিছিল বের করা হলো। এই মিছিলটি চাকুলিয়া পাঠাটি মোড় থেকে শুরু করে চাকুলিয়া থানা মোড়ে সমাপ্ত করে সেখানে পথসভা করা হয়। পথসভায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिशिल हम लोग किए हैं चाकुलिया, हमारे माननीय MLA मिनाजुल आरफिन आज़ाद के लीडरशिप में जो आज हम लोग चाकुलिया में जन सैलाब एक उभर करके आया था, इसकी वजह यह है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को लेकर के हमारे बंगाल गवर्नमेंट को हर तरह की परेशानी करने पर मजबूर कर दिया है। क्यों, क्या ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से हमारे सच्चाई की राह पर है, ममता बनर्जी आम आदमी का काम पर जिस तरह से ध्यान दे करके कर रही हैं, तो क्या ये काम करना बेईमानी है? ये मैं अगर बेईमानी है तो ये मैं नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अब आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उसको क्यों छोड़ा हुआ है? सुबिन दो अधिकारी को आपने क्यों छोड़ा हुआ है? तो क्या आपकी बीजेपी में शामिल होकर के वो वॉशिंग मशीन में जा करके क्या धुल के साफ हो जाता है? पहले आप उन लोगों पर भी शिकंजा कीजिए, आप सोतेलापन अपना रहे हैं। इसलिए आज चाकुलिया विधानसभा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोहरी चाल चलने नहीं देंगे बंगाल में, और मोदी ये अमित शाह ये चैलेंज है चाकुलिया से कि ये चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन में को बाधा डाला जाए, लेकिन नहीं, यहाँ की आवाम बिल्कुल चालाक है, यहाँ की आवाम बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी क्या चीज़ है, बीजेपी कितनी परेशान कर रहे हैं लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो इसलिए आज हम लोग ये बीजेपी को हम लोग जवाब देने के लिए कि देख लो मोदी, देख लो अमित शाह, देख लो बीजेपी सरकार कि तुम अगर केंद्र में, तुम अगर मरकज में, तुम अगर इस तरह से कर सकते हो अपने हथियार बना करके सीबीआई को और ईडी को हथियार बना करके इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बंगाल के लोग जो है ये उसको कबूल करने वाले नहीं है, बंगाल के लोग उसको नकार देगी, और आने वाले पंचायत इलेक्शन भी हम लोग काफ़ी अच्छे से हम लोग बहुमत हासिल करके पंचायत को दखल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि बीजेपी को जो सत्ता का बहुत लालच है, वो उसको जो है अपना मन नहीं भरा है, इसलिए वो हमेशा जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन वाले हैं वहाँ कहीं ईडी का डर दिखा करके, कहीं जो है गवर्नमेंट को तोड़ करके, उसका मिसाल एक है आपका महाराष्ट्र में देखिए, आपके करोड़ों रुपया देकर के जो वहाँ के MLA को खरीदा किया और वहाँ की सरकार को गिराया गया। झारखंड का उसका सबसे बड़ा सबूत है, वहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ वहाँ की सरकार को गिराने के लिए जो साजिश रचा था। अब देखिए कि कलकत्ता में जो उसका 2 MLA जो है रुपया के साथ पकड़ा गया, बाद में छानबीन चल रही है, CID छानबीन कर रही है, उससे पता चला कि नहीं वहाँ की सरकार गिराने के लिए जो है कांग्रेस के MLA को पैसा दिया गया था, और CDI जब इस छानबीन को लेकर के जब दूसरे स्टेट में जाती है तो वहाँ बीजेपी शासित स्टेट में जो है हमारे बंगाल के CID को काम करने नहीं दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है ये CDI आपका ED और CBI को इस्तेमाल करके आज बंगाल नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी हो, जैसे संजय रावत ले लीजिए महाराष्ट्र में, आपका आम आदमी पार्टी आप केजरीवाल भाई साहब को ले लीजिए, संजय सिंह को ले लीजिए, जिसको भी ले लीजिए आप, इस तरह से साजिश, और बंगाल में जो खास तौर से उसका बंगाल में पहले ही से नजर था, और बंगाल का अवाम बहुत ही जागृत अवाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट्स इंडिया थिंक्स टुडे टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, ये बात है। इसलिए जो है बंगाल को ख़त्म करने के लिए ये कुछ नहीं है, ये साजिश है बिल्कुल, और साजिश के तौर पर कर रहा है, लेकिन हम लोगों की जो आज एहतियाती मिसाल इस बात पे थी कि ईडी CBI हो, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन सौतलापन नहीं होनी चाहिए। आप जो है जो शारदा नारदा में बीजेपी के लोग जो जुड़े हुए हैं और दूसरे मामले में बीजेपी के लोग जो जुड़े हुए हैं, आज शुभेंदु अधिकारी जो है लाखों करोड़ का मालिक बन बैठा हुआ है, उस पर भी होनी चाहिए, तो वो नहीं, वो जो है बीजेपी की तरफ चले गया है, तो वॉशिंग मशीन में धुआ हुआ वह सफ़ेद हो गया है, और बाकी जो लोग हैं वो लोग चोर हैं, ऐसा नहीं सकता है, बल्कि चोरों का राजा, चोरों को सरदार, और जो भी कहिए वो बीजेपी है, बिल्कुल बीजेपी, ये आदमी के पेट में लात मारने वाली सरकार है, नौजवानों के पेट में लात मारने वाली सरकार है, किसानों के पेट में लात मारने सरकार है, इसलिए बंगाल में उसका कोई साजिश नहीं चलेगा, और यहाँ के लोग आज एहतजाज के जरिए पता कर दिए पूरे बंगाल में एहतजाज के जरिए ये जो है आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में फैला रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है उसके तरफ भी जो है मुतवाजा है यहाँ के लोग कि भाई आप भी ध्यान दीजिए, इस तरह का सोतलापन बंद होनी चाहिए और इस तरह की साजिश बंद होनी चाहिए, और ये साजिश करके बीजेपी को बंगाल में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग जागृत हैं, और दीदी यहाँ की नेत्री है, और दीदी से उन लोगों को डर है कि आने वाले दिन दीदी दिल्ली में उसका तख्त खिलाने वाली है, इसलिए ये साजिश